तो मैंने वो करछी निकाली और उसी से मैंने सारी तार को इधर देखिए, जनाब को तो आज बहुत गुस्सा आया। जो कि अभी सिलवाना है, लेकिन इसको साइड में रख देते हैं। और ये देखिए, ये है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे और एकदम फिट होंगे। तो स्वागत है आपका आज के ब्लॉग। फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। अभी लगभग 2 बजने वाले हैं दिन के, और मैंने सुबह से इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि कल के फास्ट की वजह से मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकी। क्योंकि कल तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन आज मुझे बहुत दर्द हुआ और मेरे दांत में भी दर्द हो रहा है। आप देख रहे होंगे हल्का सा सूज रखा है, मैं उसको निकलवाने की सोच रही हूँ, लेकिन जब हमें छुट्टी मिल जाएगी बाहर की तो हम जाके इसको निकलवा लेंगे। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने खाना बना लिया है और मैंने अपने लिए, मेरे ना बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं ये देखिए, और मैंने इस वजह से कटाए भी थे अपने बाल, पर फिर भी इस वजह से काटे क्योंकि मैं अपने बालों की केयर पर कर पाऊँ, क्योंकि लंबे थे जिसकी वजह से उलझ जाते थे और मतलब मुझे मतलब झड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा झड़ रहे हैं। वैसे झड़ते तो हर किसी के हैं, लेकिन मेरे कुछ ज़्यादा ही झड़ रहे हैं। इस वजह से मैंने YouTube पे एक वीडियो देखी थी जिसमें हेयर फॉल के लिए बताया कि उस नीम नीम के जो पत्ते होते हैं ना, उनको तोड़ के लाना है और उबालना है पानी में, और उसमें मेथी के दाने डालने हैं। तो इससे क्या होगा, हेयर फॉल भी कम होगा और हमारी जो बालों की जड़ें हैं वो भी मजबूत हो जाएंगी। तो देखते हैं, मैं ट्राई करती हूँ। तो अगर मुझे सूट हो गया और अगर मुझे इससे कुछ फ़ायदा मिल गया तो मैं आप लोगों को भी सलाह दूंगी कि आप ये कीजिएगा, अगर मुझे फ़र्क पड़ा तो। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने ना लगभग इतना पानी डाला था, इतना ज़्यादा पानी, और इसको मैंने उबाल उबाल के, ये अभी इतना कम हो गया है। और मैंने जो टहनी तोड़ के लाई थी ना, मैंने टहनी सही थी उसमें डाल दिया, क्योंकि यूट्यूब में ऐसे ही बताया था तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। तो ये देखिए, अब अच्छी तरीके से उबल चुका है और इसका पानी जो है ये था इतना, और मैंने बहुत कम कर दिया है क्योंकि इसका जूस अच्छे से निकल जाएगा फिर रस जो है इसका। तो ये देखिए, इसमें मेथी के दाने भी आपको दिख रहे होंगे बस, और उसमें कुछ नहीं मिला रखा। इसको हम छान लेंगे और फिर मैं अपने बालों में लगाऊंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये लगभग 1 गिलास पानी है और मैं आपको बताती हूँ कितना पानी ये निकला इससे। तो ये देखिए, लगभग 1 गिलास पानी है और थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये मेरे बालों के लिए काफ़ी होगा। तो लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने चेयर लगाई और फोन को आगे पे रख के मैंने अपने बालों को 2 हिस्से में रख के उनको मतलब उसको पूरे बालों को उसमें डिप कर दिया, क्योंकि ऐसे में जब मैं हाथ से निकाल रही थी तो सारा मेरे से ही गिर रहा था। तो ये देखिए, मैं ऐसे भी निकाल रही थी ना तो मेरे हाथ पे पूरे बाल निकल जा रहे थे। फिर लगा के मैंने सारे ऊपर से एक ही बार में पूरी जड़ों में डाल दिया, और वो कुछ मेरे पे भी गिर गया, कुछ नीचे भी गिर गया, पर जैसे तैसे करके मैंने मसाज करके वो लगा ही दिया। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने सारे इनकी जड़ों में अच्छे से मसाज करके ये पूरा पानी लगा दिया है, नीम का पानी। और आप देख सकते हो कितना मतलब पूरा ये टप 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 करके नीचे छूटते जा रहा है, और मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है, मतलब गीली गीली हो जा रही हूँ ना। तो खैर छोड़ो, अब इसको तो झेलना ही पड़ेगा, अब जब लगा रखा है सर पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आज हस्बैंड जी ने मुझे करवा चौथ का गिफ्ट दिया था, और बोल तो रहे थे कि क्या चाहिए आपको, तो मैंने कहा मुझे गोल्ड वोल्ड कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे काम जिससे आसान हो जाए मुझे वो चीज़ चाहिए। तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे एक माइक चाहिए और मुझे एक स्टैंड चाहिए, ट्राईपॉड जो कि बड़ा वाला, जिससे कि मैं मतलब फ़ोन को कहीं पे भी लगा के अपनी वीडियो बना सकूं। तो उन्होंने अभी ऑनलाइन ऑर्डर तो कर रखा है, अब जब आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, थोड़ा लेट पहुंचता है यहाँ। लेकिन इन्होंने एक साड़ी भी मेरे लिए मंगाई थी और मुझे पता भी नहीं था इसके बारे में, और जब ये घर पे आ ही गई थी तो मुझे तभी पता चला, और ये साड़ी मंगाई और उसके साथ के लिए ये ब्लाउज़ भी मंगवाया। और मैं आपको दिखाती हूँ,
और मैंने खोल लिया था पहले ही, क्योंकि अब मुझे उस टाइम मतलब ध्यान में नहीं रही बात कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो मैंने पहले ही खोल लिया था, लेकिन कोई नहीं अभी दिखा लेती हूँ। तो ये देखिए, ये है साड़ी, मुझे हल्की साड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए, ये है जो कि अभी सिलवाना है, लेकिन इसको साइड में रख देते हैं। और ये देखिए, ये है, और ये देखिए, ये है ब्लाउज, ये ब्लाउज है, और ये देख सकते हो आप, ये इसके कम्युनिकेशन के हिसाब से ब्लाउज़ भी मंगवाया उन्होंने। मुझे तो उतना कपड़ों के बारे में आइडिया नहीं है जितना उनको है, तो हर बार वही मेरे लिए कपड़े मंगाते हैं। मैं बहुत कम अपने लिए कपड़े चूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी पसंद जो है ना अच्छी नहीं है, उनको पसंद नहीं आता है जो फिर मैं चूज़ करती हूँ। तो मैं कहती हूँ चलो तुम ही कर लो जो तुम्हारी मर्जी। तो ये देखिए, ये है ब्लाउज़, ये देखिए इसके साथ के लिए, तो बहुत अच्छा मैच कर रहा है, क्योंकि इस पर जो ये बारीक से डिज़ाइन है ना, वैसी सेम इस पर भी है। तो ये देखिए, तो इसके साथ बहुत अच्छे से मैच हो रहा है और मुझे बहुत पसंद आया। और एक ये देखिए, ये है मेरी बेटी के लिए जंप सूट, तो ये भी ऑनलाइन मंगवाया और ये भी मुझे बहुत पसंद आया, उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए, ये हो गई आजकल हमारी ढेर सारी शॉपिंग हो गई है, तो अब कुछ टाइम तक थोड़ा शॉप हो जाएंगे क्योंकि पानी बार बार। तो फ्रेंड्स, देखा आपने मुझे वीडियो बनाने में कितनी परेशानी होती है। किसी टाइम तो ऐसा होता है, मैं ना फ़ोन को रखती हूँ, मतलब उसको सेट कर लेती हूँ, और उसका डिसबैलेंस हो जाता है, तो मैं जैसे जाती हूँ आगे तक, तो तब तक फ़ोन जो है नीचे गिर के धड़म से पूरा मेरे फ़ोन की जो है बुरी हालत हो रखी है। तो फिर भी मैं छोड़ूंगी नहीं इसकी जान, तो इसीलिए मैंने ट्राईपोड और माइक वगैरह, क्योंकि आवाज़ भी ना बहुत कम, मुझे फ़ोन को बहुत आगे लाना पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं रख सकती मैं, क्योंकि दूर रखूँगी तो मेरी आवाज़ ही नहीं आएगी। तो देखिए, अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और अभी इसके पापा भी नहीं आए, हम खाना खा लेते फिर मैं अपना काम करती, और इसके बाद मुझे करना है झाड़ू पोछा, क्योंकि हम नीचे ग्राउंड फ्लोर में है तो कोई भी अंदर आ सकता है, तो मुझे पूरी सफाई फिर से करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे तो फिर से वैसी हो गया, सुबह तो करी थी, अब मुझे फिर से झाड़ू पोछा करके पूरे रूम को अच्छे से, ये है टेंट लग रहा है और अभी बहुत अच्छे से तैयार होगा, और जब पूरा तैयार हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँगी, और मैं अपनी बालकनी से आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं खाना खा रही हूँ, ये देखिए, और मैंने आज क्या कर दिया आपको बताती हूँ। मैंने नीम उबाला था ना, जो नीम के पत्ते जो कढ़ाई में उबाले थे, तो उसको मैंने हिलाया था करछी से, क्योंकि उसको हिलाना भी ज़रूरी था, तो मैंने गलती से वो करछी वहीं पे रख दी, और वैसे वैसे मैं दाल भी छोंक रही थी, दाल को तड़का लगा रही थी, तो मैंने वो करछी निकाली और उसी से मैंने सारी दाल को इधर देखिए, जनाब को तो आज बहुत गुस्सा आया, लेकिन जैसे तैसे खा ही लिया, और केवल एक करछी को घुमाने से मेरी पूरी दाल कड़वी हो गई। और अब हुआ क्या कि जैसे मैंने इनको दिया, इन्होंने टेस्ट किया, इन्होंने बोला ये कड़वा क्यों हो रहा है, तो जैसे ही खाया फिर मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा ये तो वही वाली करछी है जिससे मैंने नीम के पत्तों को घुमाया था। तो ये देखिए, अभी तो बीबू को खाना खिला रहे हैं। कैसी थी दाल? बहुत बेकार। इधर बोलो ना, उधर बोलने लायक नहीं है। तो ये देखिए, हमने खाना खुना खा के मैं बर्तन धोने लग गई थी, और आज जो बहुत बुरा हुआ, मतलब इसके पापा को अच्छी नहीं लगी दाल, तो फिर मैंने बोला नहीं नहीं कड़वी नहीं हो रही है उनके मन रखने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं तू झूठ बोल रही है, देख खा के देख। फिर मैंने भी चखी तो दाल बहुत ज़्यादा कड़वी हो रखी थी, लेकिन ठीक है, दवाई के काम आ जाती है किसी टाइम। तो हमने खा लिया आज, और उसके बाद मैं लग गई झाड़ू लगाने के लिए, झाड़ू सारे कमरों में लगा के, उसके बाद झाड़ू पोछा,
मैंने कहा जल्दी जल्दी से कर लूँगी काम। और ये देखिए फिर आई पोछे की बारी। इसके पापा और बिभू को सुला रहे थे तो वो सो गया था और वो भी वहाँ पे थोड़ा लेट रखे थे। फिर उन्होंने जाना था 3 बजे ड्यूटी, नहीं 3 बजे क्यों, 4 बजे जाना था। 3 से तो 3:30 तो वैसे भी खाना खाते खाते ही हो गया था। तो फिर मैं रूम को डेकोरेट करने में लग गई थी। डेकोरेट क्या मतलब, थोड़ा वो बेडशीट वगैरह चेंज करके और थोड़ा अच्छे से रूम को, मैंने कहा अगर कोई आ जाएगा तो ठीक है, नहीं भी आएगा तो ठीक है, साफ़ सफाई अपने लिए है। और ये देखिए ये है मेरा बाहर का रूम जो कि मैंने कुछ इस तरह से इसको फ्रेंड्स मेरी सफाई अब हो चुकी है और साफ सफाई भी सब कुछ हो गया। और अब मैं थोड़ा कपड़े धुलने के लिए है, एक बाल्टी तो कपड़े धुल लूँगी। फिर मैंने कपड़े भी धुल लिए थे और बाहर जो कपड़े थे वो अंदर लेके गई और फिर बाहर मैंने दूसरे कपड़े जो मैंने धुले अभी उसको मैंने सुखाने के लिए डाल दिया। अब अंदर बाथरूम में नहीं दिखा सकी क्योंकि मेरे पास उधर कुछ ऑप्शन नहीं था, फ़ोन को सेट करने का स्टैंड था लेकिन वो अभी मेरे पास नहीं है छोटा वाला। देखिए मैंने गार्डन से अपनी सब्जी भी तोड़ के ला दी है और ये देखिए आज की सब्जी भी हो गई। और अब जाती हूँ नहाने, सफाई भी हो गई, सब्जी भी ला दी और इसके बाद मुझे अब नहाना है। तो फ्रेंड्स ये वाली वीडियो तो अब लंबी हो गई है और इसमें मैं आपको बर्थडे वाला व्लॉग नहीं दिखा पाऊँगी, तो उसको मैं दूसरे इसमें दूसरा व्लॉग बनाऊँगी बर्थडे वाला, तो प्लीज़ उस व्लॉग को भी देखिएगा और मुझे बहुत प्यार दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।